अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे अपने अपने घरों में। तो आज हम लोग ये मैजिक फॉरेस्ट वाला फैक्ट्स है ये बना सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप ये कार्टून फॉरेस्ट 3D जो है इसका पैक डाउनलोड करें, डॉट ओबीजी फाइल डाउनलोड कीजिएगा। और अगर आप टेक्सचर्स यूज़ करना चाहते हैं, मैंने तो नहीं इस्तेमाल किया लेकिन आप यूज़ करना चाहते हैं तो ये मैप डॉट रॉड भी फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के ऊपर पड़ा हुआ है। तो सब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ब्लेंडर में जाते हैं। ठीक, आप न्यू कलेक्शन बना लें। इस कलेक्शन का नाम रखेंगे हम लोग मेन, दूसरा कलेक्शन का नाम रखें फॉरेस्ट, और थर्ड कलेक्शन होगा ग्रास। तो सबसे पहले मेन कलेक्शन के अंदर शिफ्ट ए मैश प्लेन S8 टैब दबा के सब एडिट मोड पर जाए, राइट क्लिक सब डिवाइड, सब डिवाइड से कर लें बाय 50। ठीक, और इसके बाद में आपको ग्रास वाले कलेक्शन के अंदर ग्रास बनाना सिखाता हूँ। ये कलेक्शन केस में बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। अच्छे कलेक्शन को प्लीज इस्तेमाल करिएगा, मेन फॉरेस्ट और ग्रास कलेक्शन है। तो उसके बाद हम लोग ग्रास बनाते हैं। शिफ्ट ए मैश प्लेन टैब S X एक्स एक्स कर लें, टॉप व्यू में चल जाता है। कंट्रोल आर दबा के ये लूप कट सेट कर लें, फिर ये एच सेलेक्ट करते हैं और प्रोपोर्शनल लाइटिंग ओ दबा के ऑन कर लें। ठीक है, और S X 0। ठीक से ग्लास ग्रास का एक्स्ट्रैक्ट ब्लेड बन गया। और फिर उसका जो ये एक पॉइंट ऐसे GZ वाके थोड़ी सी डिफरेंट टाइप से ग्रास लगे उसके लिए कर लें, और फिर राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर लेते हैं। फिर इसके ऊपर हम लोग मॉडिफायर अप्लाई करेंगे। ये मैंने डकी थ्री के मेथड से सीखा था और उसने किसी और की मेथड से सीखा था, तो ये मेथड काफी अच्छा अच्छा है मेरी नजर में। तो काउंट हम लोग कट 10 कर लेते हैं। ठीक है, वही सेटिंग से बस काउंट 10 करना है आपने। फिर कॉपी क्लिक करें। ठीक, जो सेकंड मॉडिफायर आप एक और ऐड हो गया उसके जो अंदर ये 0 काट दें और यहाँ पे जेड के ऊपर ऑन कर दें। तो ये देखें बड़ा सा पैच ग्रास का तैयार हो गया है, लेकिन अभी अभी रहता है इसमें, अभी और भी ऐड करना है। तो इन दोनों को अप्लाई करते हैं। ठीक हो गया, अब ये एक बड़ा सा ग्रास का पैच बन गया है। तो इसे मैं RX90 करके ये स्ट्रक्चर कर लेता हूँ। टैब दबा के एडिट मोड में चल जाए, सिलेक्ट ऑल कर लें और G करके इसे ये यहाँ पे मूव कर दें ताकि इसका जो ओरिजिन है इस पास पास ही रही है। ठीक, ये सारा सिलेक्ट अगर हो गया है तो फिर इसकी बात करें। इस पार्ट के लिए मैंने ग्रास को लग कलेक्शन में डाला था, अगर आपको समझ में आ रही हो तो सबको सेलेक्ट ऑल करके मैश सेपरेट बाय लूज पार्ट्स। अब ये सारे इंडिविजुअल पार्ट्स अलग अलग बन गए हैं, इन्हें बाद में हम लोग मर्ज करेंगे। अभी के लिए हमें इस तरह चाहिए। फिर टैब दबा के राइट मोड से बाहर आ जाए, स्पेस को दबाएं और फिर टाइप करें रेंडमाइज ट्रांसफॉर्म। ठीक, तो उसके ऊपर आप इसकी लोकेशन जो है एक्स के ऊपर रैंडम कर लें, वाई के ऊपर थोड़ी सी रेंडमाइज कर दें, रोटेशन बेशक ऐड कर लें आपको अपनी मर्जी है। पर्सनलाइज बता, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा, टू एग्जैक्ट सेम एड्रेस में ड्रॉ नहीं सकता। तो अब इस तरह सारे रेंडमाइज हो गया, तो फिर कंट्रोल जे दबाएं, अब ये वापस एक एक ग्रास का वो पैच बन गया। ठीक, अब इसके बाद जो फर्स्ट वाले कलेक्शन को सिलेक्ट करें और फिर जो हमने ये मैंने आपको फाइल का लिंक डाउनलोड में दिया हुआ है, डाउनलोड किया होगा तो आपने, तो फाइल इम्पोर्ट डॉट ओबीजे आपका मैसेज डाउनलोड में होगा, मैंने तो डेस्कटॉप के ऊपर उसे रखा हुआ था, सपोर्ट कर लें। जब ये इम्पोर्ट हो जाएगा तो ये देखिएगा कि साइज में काफी बड़ा है तो लो पॉली ही, लेकिन साइज का काफी बड़ा है, स्केल करके छोटा कर लें। ठीक, तो मैं 10 के साथ से कंपेयर कर लो, हाथ नजर तो साइज में काफी है। तो इसे सेलेक्ट करें, देखिए पूरा आइलैंड, हमें आइलैंड का और ये पानी बना हुआ है ये नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ट्रक चाहिए और ट्रक भी अलग अलग करके चाहिए, एक मतलब साइड जुड़े हुए चाहिए, सारा एक ही बड़ा सा मॉडल है। ये देखिए सारा ही बड़ा सा मॉडल है, हमें ये अलग अलग चाहिए। तो उसके लिए टैब दबा के एडिट मोड में चले जाएं। ठीक, जी सेलेक्ट सब कुछ करें, फिर एल दबा के साइलेंट को सेलेक्ट करें, एल के ऊपर जब आपका माउस कर्सर होगा और फिर एल दबा के इस पानी के ऊपर करके इसे भी सिलेक्ट कर लें, फिर एक्स फेसेस। तो ये देखें डिलीट हो गया है। तो उसके बाद हमें ये सारे ड्रग अलग अलग चाहिए, इसलिए मैंने फॉर्स का अलग कलेक्शन बनाया था। तो जेड वायर फ्रेम कर लेते हैं। ठीक, सेवन से टॉप पे जाते हैं। मैं अभी आपको एक ड्रग के साथ चीका सारा बता दूंगा, एक्स्ट्रा आपने करना है, फिर आप बाकी सबके साथ भी उसी तरह कर लीजिएगा। तो ये से सी करके मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप वो एल वाला मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं सिलेक्ट करने के लिए, लेकिन मैं भी सी से सारे डॉक्टर सेलेक्ट कर लिया। एल वाले मटर आपको पहले बाकी सारे डॉक्टर के साथ इस्तेमाल करना पड़ेगा, एल दबा के सेलेक्ट कर लें और फिर उससे जब ये सिलेक्ट हो गया और एक ट्रक चला मैश सेपरेट बाय सिलेक्शन। ठीक, तो अब ये सेपरेट हो गया है।
हम लोग टैब से एडिट मोड से बाहर आ जाते हैं। अब ये देखें ये सारों से अलग है, अलग रिजल्ट रखता है। मैं इस वह ऊपर वाले को हाइड कर देता हूँ, अभी बड़े वाले को उसकी जरूरत नहीं। मैं आपको सिर्फ एक तरीका बता देता हूँ अपने करना के इसके साथ। तो सबसे पहले टॉप व्यू पे चले जाएं, टैब दबाएं, एडिट मोड में जाकर इसे सार सेलेक्ट कर लें और इसे व्यू मूव कर लें सेंटर में। जो इसका ओरिजिन है ये ओरिजिन साइड डॉट, ये इसका ओरिजिन है, तो इसे आपने इसके साथ बराबर सीध में रखना है तकरीबन इस तरह से रोटेट करके। देखें बिल्कुल अब उसके साथ सही पोजीशन के ऊपर है। तो इसे अगर जो मटेरियल्स देने हैं, एक साइड बाई डिफॉल्ट मटेरियल्स काफी सारे लगे हुए हैं, लेकिन यह कि वो मैंने सिर्फ कलर्स यूज किए हैं इसलिए मैं आपको कलर सिर्फ करती कर बता दूंगा। तो सिलेक्ट आप काट लेते हैं, मैं अलग अलग कलर से भी के लिए बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सिंपल सिंपल कलर बना रहा हूँ, मैंने पहले से समय बना रहा हूँ, मैं आपको स्पीकर समझा रहा हूँ। तो स्ट्राइक ब्राउन कलर हो गया, उसके ट्रंक के लिए हो गया, ठीक, क्योंकि मैजिक फॉरेस्ट है तो जरूरी नहीं है कि ग्रीन से ग्रीन ही सिर्फ हो, कलर्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, पिंक भी हो सकते हैं, रेड भी हो सकते हैं, इस तरह के ना। तो अलग अलग से आप कलर्स बना लें, ठीक। फिर उसी तरह से एल दबा मैं बल्कि ग्रेडिएंट व्यू में चला जाता हूँ, ठीक, उसी तरह से एल दबा के, ठीक है, ये जो है ट्रंक का कलर है वो हमने ये साइन कर दिया। फिर डिसलेक्ट ऑल कर दिया, फिर ये एल दबा के मैं ये ऊपर वाला सेलेक्ट कर लिया, इसे मैंने पिंक कलर दे दिया। फिर ये जो बॉटम वाला हिस्सा है ये जो नीचे अंदर, इसे भी फिर इस वाले से कुछ सेलेक्ट करके ये रेड कलर से दे दिया। उसी तरह से ये जो नीचे वाले हैं इन्हें भी इस तरह से हम लोग एल आगे सेलेक्ट कर सकते हैं, और फिर इन्हें भी ये इसी तरह से अलग अलग कलर दे दिए, ठीक। तो इस तरह से आप काफी सारे डिफरेंट कलर के कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। मेरे पास फॉरेस्ट का अलग से पहले से बना हुआ है, तो आप बाकी सारे जो दरख्त हैं उसके इसके साथ काफी सारे हैं, देखिए काफी सारे हैं, तो उन सबको आप इंडिविजुअली कर सकते हैं। इस तरह इंडिविजुअली करके आप अलग अलग बना लें, तो मुझे उसकी जरूरत नहीं है इसलिए मैं इसे अभी के लिए डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले से बनाया हुआ है। मैं एक एक को अगर ट्यूटोरियल के अंदर बैठ के करना शुरू करता हूँ तो बहुत ज़्यादा देर लग जाएगी। तो इसके बाद जो मेन कलेक्शन है हम लोग इसके ऊपर अंदर आते हैं। एक तो मेन कलेक्शन के अंदर हमने सब डिवाइडर पहले से मैंने कर लिया था, तो शिफ्ट ए क्यूब चाहिए एस वाई नाइन, क्योंकि हमने इसे 8 बिट बाइट से मैं 9 पे कर रहा हूँ, क्योंकि इसे सारा कवर कर रहा हूँ, ठीक। फिर जी एक्स इसे साइड पे कर देते हैं, फिर शिफ्ट ए मैश प्लेन नंबर 2 आर वाई 90, और इसे भी एस एक्स 9 कर देते हैं, एस एक्स एस वाई 9 जी एक्स इसे हम साइड पे कर दें। और फिर अभी हम लोग इसे क्विक थ्रो करेंगे, तो इसे क्विक करने का तरीका ये है कि फेस सेलेक्ट मोड में चल जाएंगे, पिछला फेस जो है इसका सिलेक्ट कर लें और एस जेड 0 कर दें, ठीक है, स्ट्रिंग बंद हो जाए। और जो ये अगले वाला फेस है इसे जी एक्स में थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, और इसके ऊपर कंट्रोल बी दबा के बेवल मॉडिफायर अप्लाई कर दें, मेरे ख्याल से इस हद तक ही काफी होगा। और फिर सेलेक्ट ऑल करके सारा सब डिवाइड कर दें, एक और शेड स्मूथ कर देते हैं। और इसके ऊपर हम लोग मॉडिफायर अप्लाई करेंगे, डिस्प्लेस मॉडिफायर, न्यू टेक्सचर, टेक्सचर कोऑर्डिनेट्स ग्लोबल होंगे, स्ट्रेंथ 0.5, ठीक है। और अब टेक्सचर वाली साइड के ऊपर चले जाते हैं, वहाँ पे इमेज और मूवी के बजाय क्लाउड्स होंगे, और साइज आप 1 कर दें मेरे से, ठीक ठाक है। और शिफ्ट ए एम टी प्लेन एक्सेस जी एक्स इसे भी साइड पे ये इस प्लेन के साथ बराबर तकरीबन कर दें। तो अब हम लोग मटेरियल्स बना लेते हैं, ठीक। फॉरेस्ट हमारा रेडी है कलेक्शन, और जो ग्रास वाला कलेक्शन है वो भी हमारा रेडी है। अच्छा, इस क्यूब को महल से मेन में डालना भूल गया, ठीक। तो पहले हम लोग जो है सबसे पहले जो हम लोग इसका मटेरियल है, जो ये इफेक्ट है इसका हम लोग मटेरियल पर बना लेते हैं, ठीक। तो शेडर एडिटर में चले जाएं, और इससे पहले मैं भूल जाऊँ ब्लूम और एम्बिएंट ऑकलूजन ऑन कर लें। तो इसे हम लोग सबसे पहले एक न्यू मटेरियल दे देते हैं, प्रिंसिपल पीएसटीएफ को डिलीट कर दें, हमें चाहिए एक मिक्स शेडर, कलर रैंप इसके फैक्टर के साथ, इसे थोड़ा सा यहाँ पे मूव कर दें, ग्रेडियंट टेक्सचर
सेपरेट एक्स वाई जी, मैपिंग नोड और टेक्सचर कोऑर्डिनेट शिफ्टेड, बाकी आप सब कुछ ये सर्च करके कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद आपको एक मिशन शेडर चाहिए, इसकी स्ट्रेंथ 5 रख लें, शिफ्ट से डुप्लीकेट कर लें। इस मिक्स शेडर को डुप्लीकेट कर लें, इन्हें इन दोनों को इसमें प्लग इन कर दें। एक का कलर येलो रखते हैं और एक का कलर ब्लू रखते हैं, इसे इधर प्लग इन कर लें और एक ट्रांसपेरेंट बीएसटीएफ जो है यहाँ पे इसके साथ प्लग इन कर दें। और फिर हमें एक और कलर रैम चाहिए होगी, तो इसे शिफ्ट डुप्लीकेट कर लेते हैं, लेकिन इसकी जो ये है इस यहाँ से मूव कर दें और ये यहाँ पे मूव कर दें और यहाँ पे शिफ्ट ए, नॉइस टेक्सचर जो है वो भी चाहिए हमें, और मैपिंग और टेक्सचर कोऑर्डिनेट को हम लोग भी डुप्लीकेट कर लेते हैं। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जनरेटर के बजाय ऑब्जेक्ट होगा, और हम लोग ये जो दूसरा प्लेन है उसे सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके लिए प्लेन टेबल 04 रिव्यू पर चल जाते हैं। यहाँ प्लेन टेबल 04 ही था, तो इसके बाद जो ये प्लेन का मटेरियल है वो अपनाएंगे, और ये मटेरियल हम लोग ग्रास के लिए भी यूज करेंगे, तो आपके अपने जब भी अपना लेंगे तो ग्रास का मटेरियल ये दे दीजिएगा। शेडर में जाते हैं, इसे न्यू मटेरियल लेते हैं, इसका नाम मैं रख देता हूँ ग्रास के नाम से लगा देते हैं। तो सबसे पहले एक मिक्स शेडर चाहिए, इसकी रफनेस इंक्रीज कर दें, स्पेक्लियर और शीटिंग जीरो कर दें और इसे डुप्लीकेट कर लें, स्मॉल मिनिमाइज कर दें क्योंकि ये प्रॉब्लम अभी के लिए क्रिएट करने के बाद हमारे लिए। तो एक कलर हम चाहिए, एक ग्रेडियंट टेक्सचर चाहिए, एक सेपरेट एक्स वाई जी, मैपिंग नोड और टेक्सचर कोऑर्डिनेट, ऑब्जेक्ट उसके वेक्टर के साथ, और जो ऑब्जेक्ट है वो ये वाला एम्प्टी होगा, एम्प्टी होगा। रीजंस की यह है कि एम्प्टी इसका स्केल बिल्कुल नॉर्मल रखता होता है, बाकी सारे इसका स्केल बिगाड़ के रख देते हैं। तो अब हम लोग इसे वापस शो करते हैं, इसके लिए हमें कलर रैम चाहिए और एक नॉइस चेकर चाहिए, स्केल्स का 15 कर दें, और जो कलर्स हैं वो आप ग्रीनिश टाइप सा, ये वाला जो है जो टॉप वाले शेडर के साथ लगा हुआ है, इसे थोड़ा सा ग्रीनिश टाइप से कलर दे दें। एक आपकी अपनी मर्जी है, जरूर नहीं आप मुझे फॉलो करें, थोड़ा रैंडमाइजेशन ताकि शो हो, और उन्हें इसके साथ प्लग इन कर दें। और उसी तरह से इन्हें डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसके साथ प्लग इन कर देते हैं, और इस पर जो कलर्स हैं वो थोड़े ब्राउनिश टाइप से, जो ग्राउंड मिट्टी वाले होते हैं बगैर घास के, उसके रिलेटेड कलर्स आप कर लें, आपकी अपनी मर्जी कलर्स अपने करते हैं करते हैं। तो अब हम लोग पेंटिंग कर लेते हैं, सबसे पहले ये फैक्ट चलेगा, इसके पीछे पीछे बाकी सारा कुछ चलेगा। तो इसे जो प्लेन है सेलेक्ट करें, वो इसे प्लेन को भी हम लोग एक मटेरियल दे देते हैं, वो सिंपल ट्रांसपेरेंट मटेरियल होगा, ट्रांसपेरेंट बीएससीएफ अल्फा क्लिप नन, और इसे प्लेन को सिलेक्ट करें, फिर कंट्रोल दबा के इसे, फिर शिफ्ट दबा के इसे फैक्टर सेलेक्ट करें और कंट्रोल पी टू ऑब्जेक्ट, फिर अब हम लोग से जब भी मूव करेंगे वहां पर ये भी जाएगा, और जो एम्प्टी है इसे भी इस तरह सेलेक्ट करें और फिर शिफ्ट दबा के इसे सेलेक्ट करें कंट्रोल पी टू ऑब्जेक्ट,
इस तरह से जहां पे भी ये मूव करेंगे वहां पे मूव होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। और इसका जो हमने ब्लेंड मोड, आई थिंक इसका ब्लेंड मोड हमने अल्फा ब्लेंड का नाम लोग भूल गए थे, तो इसे मैं जहां पे मूव करूंगा उसी तरह से ही रखें, वो चेंज होता जा रहा है कलर। आई थिंक जो एम्प्टी है उसे थोड़ा सा ज्यादा करीब होना चाहिए। इसके कलर्स आई डोंट नो व्हाई सीट्रस स्किन शो हो रहे, हाँ इसको थोड़ा सा मूव सर्वर स्टफ करना ताकि वो ब्लू कलर ज्यादा शो हो। अगर थोड़ा सा कम, हाँ इतना मेरे से काफी है। ठीक, तो अब इसके ऊपर हम लोग जो फाइनल इफेक्ट है वो करेंगे, वो हम लोग डायनेमिक पेंट के थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले आप एक वर्टेक्स रूप बना रहे हैं, जो ये प्लेनर से सिलेक्ट कर रहे हैं, इतनी आप वर्टेक्स रूप बना लें। इसका नाम रख लेते हैं फॉरेस्ट, ये रखी बट थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है जैसे इसका लिखा जा रहा। तो इसके बाद हम लोग चले जाते हैं कंस्ट्रेंट के ऊपर, डायनेमिक पेंट कैनवास रखनी है, एड कैनवास वर्टेक्स इस तरह रखते हैं, स्टार्ट फ्रेम एंड फ्रेम भी यही ठीक है, सरफेस पेंट के बजाय आपने वेट रखनी है। ठीक, और जो फाइनल वर्टेक्स ग्रुप आउटपुट के अंदर वर्टेक्स ग्रुप होगा इसे डिसलेक्ट करें, और जो ये फॉरेस्ट वाला वर्टेक्स ग्रुप था वो सिलेक्ट कर लें। फिर जो ये वाला प्लेन है इसे भी थोड़ा सा इस तरफ मूव कर लेते हैं, इसके ऊपर भी डायनेमिक प्लेन सिलेक्ट करें, लेकिन इस बार इसे ब्रश रखना है, एड ब्रश कर दें। ठीक, और बाकी ये मैश वॉल्यूम प्रॉक्सिमिटी होना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं। तो इसके ऊपर हम लोग पार्टिकल सिस्टम बनाते हैं। ठीक, एक पार्टिकल सिस्टम बनाते हैं फॉरेस्ट का, दूसरा पार्टिकल सिस्टम बनाते हैं ग्रास का। फॉरेस्ट वाले के ऊपर हेयर, ग्रास वाला भी हेयर। ठीक, तो जो फॉरेस्ट वाला उसका नंबर 200 कर दें, ग्रास वाले का 1000 ही ठीक है। हेयर डायनेमिक्स एडवांस कर दें, और ये फॉरेस्ट वाले के अंदर है, और रोटेशन क्लिक करें और रोटेशन नन करनी है। ठीक, रेंडर एस कलेक्शन इंस्टेंस कलेक्शन जो है फॉरेस्ट वाला, ये देखें अभी फॉरेस्ट वाला आ रहा है। और जो लेंथ के अंदर वर्टेक्स रूप के लेंथ के अंदर जो फॉरेस्ट वाला वर्टेक्स रूप हमने बनाया है वो सिलेक्ट कर लें। तो ये देखें अभी गायब हो गया, तो जब मैं इसे मूव करता हूँ आई थिंक की फ्रेम हमको ऐड करने पड़ेंगे वरना इसे कैलकुलेट करने में मुश्किल होती होती है। तो पहले आप हम लोग ये जो फ्लॉप सा है इसकी सेटिंग्स ऊपर जाएं, लोकेशन के ऊपर आई की फ्रेम ऐड कर दें। ठीक, और फ्रेम नंबर 220 के ऊपर चले जाते हैं, और आइस्ट्रा कर दिया। ठीक, तो अब मैं प्ले करता हूँ, ये देखिए इस तरह वो अपीयर होते जा रहे हैं। ठीक, मैं इसकी रोटेशन बाद में थोड़ी सीधी कर दूंगा, अभी के लिए हम लोग पहले ये जो दूसरा है ग्रास वाला इसके अंदर भी एडवांस रोटेशन नन। ठीक, और इसके अंदर भी पार्ट ऑब्जेक्ट करना है यहाँ पे, और इंस्टेंस ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा प्लेन 009, में नाम रखना भूल गया, प्लेन 003 ये इसका इंस्टेंस ऑब्जेक्ट होगा। आई थिंक इसकी नॉर्मल, हाँ अगर नॉर्मल में रहें तो मैं शायद दूसरे के अंदर भी जो फॉरेस्ट वाला है वो भी शायद ठीक रहेगा। नन के बजाय नॉर्मल कर दें तो हाँ ये देखें ये भी ठीक हो गई है। तो रोटेशन को ज़्यादा चेंज की जरूरत नहीं, फॉरेस्ट वाले के अंदर ग्रास के अंदर भी इसी तरह से हम लोग जो है लेंथ के अंदर उसे फॉरेस्ट वाला वर्टेक्स रूप दे देंगे, तो फिर इस तरह से ये चलता जाएगा और वो सारे इस तरह अपीयर होते जाएंगे। और जो पार्टिकल्स थे वो बनाते हैं फाइनल, जो लाइट्स उड़ के जा रही थी इस तरह उनका टिका भी सिंपल सही है, शिफ्ट मैश आइकोस्फियर, इसकी सब डिविजन काम कर दे क्योंकि नंबर ऑफ फेसेस पहले ही बहुत ज्यादा है, और इसे सिंपल एक मिशन मटेरियल दे दें, करना था
इनिशियल कलर येलोइश टाइप सा, स्ट्रेंथ 5 कर दें और मैं भी इसे नीचे ले जाता हूँ। ठीक, और ये जो प्लेन है ये भी इसे मीट करेगा। इसके ऊपर पार्टिकल सिस्टम रखें, मीटर ही होगा। लाइफ टाइम आई थिंक ठीक है, एंड फ्रेम 250 ही कर दें येलो के बजाय। ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑब्जेक्ट आइकोस्फीयर होगा होगा, और इसके ऊपर एक हम लोग डिफरेंट चीज अप्लाई करेंगे, टेक्सचर्स। टेक्सचर्स के ऊपर न्यू ऐड करें, ठीक। फिर टेक्सचर के ऊपर जाएं, इमेज प्लेन के बजाय ब्लेंड मोड होगा, ठीक। और जनरल टाइम के बजाय इसको कैंसिल कर दें, जो साइज है उसे स्टिक कर दें और साइज को कर दें -1। इससे ये होगा कि आस्ता आस्ता जितना इसका लाइफ टाइम गुजरता जाएगा उसके बाद ये वो छोटे पार्टिकल छोटे हो जाएंगे। मैं इस पार्टिकल का साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आई थिंक 0.15 ठीक था। काफी हैवी अभी पोर्ट मेरी हैंडल नहीं कर पा रही, लेकिन मैं चलो फिर से गुजार कर लेते हैं। और इनके लिए आई थिंक ग्रेविटी वेट्स ग्रेविटी ऑफ कर देता हूँ, और टर्बुलेंस भी शक आप एक इसके अंदर आप एक टर्बुलेंस भी ऐड कर लें, फोर्स फील्ड टर्बुलेंस स्टैंड 30 अराउंड आई थिंक ठीक रहेगी। तो अब फ्रंट व्यू में आपको दिखा देता हूँ, तो ये देखें उस तरह से इफेक्ट जनरेट होता जा रहा है। इसके साथ एक आई थिंक सन ऐड करना मैं भूल गया था, लाइट सन GZ, इसका स्ट्रेंथ आई थिंक 1 या 3 है, ठीक रहेगी। हाँ ये देखें, तो उम्मीद है सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं ट्यूटोरियल्स बनाता रहूंगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।